हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि सेम नेम से ही है और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक इस तरीके की हिस्ट्री रही है कि जब भी वो स्टॉक्स मतलब है को, है उस, कराते हैं तो वो स्टॉक्स ज्यादा भागते हुए दिखाई देते हैं तो इन स्टॉक्स पर मैं काफी दिन से चाह रहा था कि वीडियो बनाऊ तो मुझे लगता है कि आज एक परफेक्ट डे है इस पे वीडियो बनाने का तो उसी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे उसके दो स्टॉक्स तो उनसे रिलेटेड जानेंगे क्या कम बिजनेस है एज वेल एज फाइनेंशियल कैसे हैं और टेक्निकल उसके क्या कहते हैं तो टेक्निकल्स का तो चार्ट पैटर्न ज्यादा नहीं होगा बट हम एक पिछला एग्जाम्पल देख के इसके बेस पर हम बात करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप लोगों का चैनल है और हमारे वीडियोज को जाके जितना हो सके देखिए लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि पूरी नॉलेज मिल सके अधूरी आधी अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है हमेशा याद रखिएगा बाकी वीडियोस को देखिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए यहाँ पर आपके लिए ही वीडियोस बनाई जाती है तो हम अगर यहाँ पर बैंक सैलरी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको कुछ भी करना है तो हम भी अगर बात करें दिस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले उससे रिलेटेड उससे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए आरती सरफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक्स क्या क्या था ये स्टॉक्स ये स्टॉक्स में यहाँ पर आरती इंडस्ट्री से आरती अगर हम बात करें डी मर्ज हुआ था और डी मर्ज होने के बाद ना ये शेयर एकदम अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट में चलता रहा देखिए यहां पर से लोअर सर्किट लगना शुरू किया फिर यहाँ से अपर सर्किट लगना शुरू किया और कंपनी का शेयर जिस तरीके से फिर भागा है। तो आज आपके सामने लगभग दो हजार रुपए तक भी अठारह सौ उन्नीस सौ रुपए तक ये टच करके आया है और हमने इसको अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब से डी मर्ज हुआ था ना तब से मैं इसके पीछे पड़ा था अपर सर्किट लग

तो हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैप दो करोड़ रुपए का स्मॉल कैप कंपनी है पी यहाँ पर 22 के आसपास का पी है आर ओ सी ही और आर ओई दोनों अच्छे खासे है डेट की बात करें नब्बे इस चीज को याद रखिएगा और प्लेजिंग यहाँ पर कोई भी शेयर पर प्लेज नहीं है यहाँ पर अगर हम बात करें इस शेयर की तो अभी या ये यहाँ पर और भी कुछ चीजें हम देखते हैं बट यहाँ पर देख ले ट्वेल्व ईयर ऑफ इंस्पायरिंग ग्रोथ इन असेंशियल केमिकल्स तो कहा किसकी कंपनी है ये एक्चुअली ये जो कंपनी है वो केमिकल्स बनाने में यहाँ पर काम का, काम करती है केमिस्ट्री फॉर सब्सटेंस ग्रोथ यहाँ पर ये अगर देखे तो यहाँ पर केमिकल्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है नजर आती है या योर एस एसेंशियल्स एंड आर एक्सपर्टीज यहां पर कंपनी बिलीव्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन ग्रोथ इन हार्मनी विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल प्रोग्रेस द कंपनी मैन्युफैक्चर एसेंशियल्स केमिकल्स फॉर सबस्टेंस सस्टेनेबल एंड स्केलेबल ग्रोथ तो यहां केमिकल्स यह बनाती हुई नजर आती है जो कि अगर बात करें एम एफ एल इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द लीडिंग एसेंशियल केमिकल कंपनी एंड एट द फोर फ्रंट ऑफ क्लोर एल सेगमेंट, द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूशियल रोल इन एंड यूज सेगमेंट दैट इज एलुमिना क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्सटाइल हेल्थ केयर फ्यूल डाइज डाइज इंटरमीडिएट्स एंड वेराइटी इन सभी प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स यूज होता है वो अगर बात करें वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है क्या नाम है इसका एम एफ एल एम फॉर्म क्या है मेघमानी कैम यहाँ पर कंपनी का नाम है इसके अलावा अगर देखिए तो देखिये जब से कंपनी यहाँ पर आई है केवल आपको अपर सर्किट में ही यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और देखें तो यहाँ देखते देखते हम सेल्स की तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक सौ अड़तीस दो सौ बाईस दो सौ उनसठ दो सौ नब्बे मतलब ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ नेट प्रॉफिट की बात करें एटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी थ्री थर्टी सेवन मतलब यहां पर प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पर ईयरली बेसिस की बात करें थ्री नाइन्टी फोर फिर इसके बाद फाइव नाइन्टी एट सेवन टेन सिक्स टेन यहाँ पर और फिर एट ट्वेंटी नाइन तो हाईएस्ट लेवन यहाँ पर कंपनी दोबारा रिजल्ट पेश कर रही है यहाँ पर बीच में आपको पता ही है पेंडेमिक आ गया था इस वजह से बट उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म करके दिखाया और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा ही है तो तो टैक्स अच्छा कंपनी ने ज्यादा दिया है इस वजह से हम देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है इसके अलावा हम देखें रिजर्व यहाँ पर दे नहीं रखा बट फिर भी अगर पिछले पिछले करें तो तीन और बोरइंग की बात करें पांच पर छब्बीस है इसके अलावा हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दी नहीं है क्योंकि ये कंपनी अभी ही यहाँ पर ये अगर बात करें यहाँ पर लिस्ट होती हुई नजर आई है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेघमानी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघमानी फाइन कैन फाइन कैन तो यहाँ पर देखिए जब से ये कंपनी हमें यहाँ पर नजर आई है लिस्ट होती हुई तब से ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है अपर सर्किट अपर सर्किट मतलब और लगभग कितने यहाँ पर अगर देखिए ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है और यहाँ पर कंपनी ने नीचे लाके फिर दोबारा भगती हुई दिखाई दे रही है कुछ ऐसे ही चार्ट पैटर्न हमें अगर मैंने आपको जैसे कि बताया था आरती सरफेक्ट टेंट का जैसे ही कंपनी आई ऊपर गई फिर नीचे आई फिर उसके बाद अपर सर्किट में ही ऊपर तो ये इस कंपनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जहाँ पर भी ये अच्छी वैल्यू पे आपको मिले तो इसमें यहाँ पर आपको अगर इस बार के रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो इस कंपनी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये कंपनी काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस करके दिखा सकती है इसके अलावा एक और कंपनी है जो सेम नाम से ही है यहाँ पर तो हम यहाँ पर बात करें मेघमानी ऑर्गेनिक यहाँ पर ये कंपनी है ये कंपनी क्या करती है इससे रिलेटेड भी हम जानेंगे बट हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है हमेशा याद रखिएगा स्मॉल कैप में गिरावट कुछ ज्यादा ही होती है और भागते भी ज्यादा है प्लेजिंग की बात करें वन ना के बराबर ही प्लेजिंग प्लेजिंग है यहाँ पर और कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ चीजों की बात करें यहां पर एक बार आ जाते हैं तो ये भी कंपनी क्या करते हैं global, uh, Python, uh, yeah, में ये काम करती हुई नजर आती है एज वेल एज यहाँ पर देखें हाइएस्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्टेड नेम इन ग्लोबल केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री एज वेल एज रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन थ्री डिकेट्स इन केमिकल इंडस्ट्री ये हम देख ही चुके हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड्स इंडिया ओके एज वेल एज हम बात करें वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट अगर हम यहाँ पर बात करें अच्छे खासे यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनीज के काम करती नजर आती है इसके अलावा हम देखते हैं मोर देन 650 सीआईबी प्लस में एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड इन क्रॉप प्रोटेक्शन

अगर बात करें टॉप लाइन यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है लगभग एक हजार करोड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है हर साल यहाँ पर पांच करोड़ रुपए के आसपास की भी बात करें वो भी यहाँ पर लगभग सेम ही सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट है <coughs> सॉरी और यहा डिविडेंड बात करें सेवेंटी टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ बैट का यहाँ पर अगर बात करें कंपनी डिविडेंड भी दे रही है कैपेक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर कैपेक्स इनका प्लान फोर हंड्रेड करोड़ और टू फिफ्टी करोड़ हंड्रेड करोड़ का यहाँ पर खर्च करने का है फ्री कैश फ्लो की बात करें अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो है यहाँ पर अगर और भी चीजों की बात करें तो यहाँ पर एबिटा इंटरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पर भी चीजें यहाँ पर दे रखी है जो की हम अभी यहाँ पर देखेंगे इनकी फाइनेंशियल में तो होप यहाँ पर कंपनी के क्या यहाँ पर वो चीज समझ में आगे होगी ये भी केमिकल्स की कंपनी है यहां पर अगर बात करें कंपनी के पिछले चार क्वार्टर के रिजल्ट्स की तो देखिये दो सौ निन्नवे चार सौ अड़तालीस चार सौ तेरासौ चार सौ अठानवे क्वार्टरली बेसिस पे जंप, नेट की बात करें वो भी हाईएस्ट पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है ये और यहाँ पर देखिए पर पर कंपनी के पास पर सेल्स भी देखिये और एक सौ छियासी करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आया तो कंपनी अच्छी खासी बिजनेस कर रही है यहाँ पर ये चीज अभी देनी रखी और अभी यहाँ पर अभी बहुत सारी डिटेल्स है नहीं बट कोई इशू नहीं है हम बात करते हैं यहाँ पर आपको अगर बात करें मेघमानी की तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देखिए मेघमानी दो जगह लिस्ट है बी और एनएससी एस पे और दोनों का प्राइस अलग अलग है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों कंपनी यहाँ पर सेम ही सेम ही है आ, प्राइस डिफरेंस कैसे है ये देखिए यहाँ पर मेक मनी ऑर्गेनिक जो कि आपको दिखाई दे रहा है काफी टाइम से ही है और बट ये आ, और यहाँ पर अगर बात करते हैं मेक मनी और तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला तो देखिए यहाँ पर ये अभी एन एस सी पे यहाँ पर ये लिस्ट हुई है तो कंपनी ने जब से आई है अपर सर्किट में ही ये काम करती हुई नजर आती है तो इसकी तरफ नजरें बना के रखिए ये जब भी यहाँ पर मौका मिले और अगली बार के जब इसके रिजल्ट आएंगे तो शायद उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कंपनी के बारे में यहाँ पर देखे तो कंपनी सेम ही है ओके बी एस सी पे लिस्ट है उसका प्राइस थोड़ा अलग है और एन का प्राइस है वो कुछ अलग है जैसे कि आप देख सकते हैं ये एन एस सी पे लिस्ट है तो 111 है और अगर हम बात करते हैं बी की तो क्योंकि बी में ये पहले से लिस्ट है अभी डी मर्ज हुई है शायद प्राइस का कुछ यहाँ पर हुआ नहीं होगा इस वजह से यहाँ पर अगर देखे यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके प्राइस में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड यहाँ पर एक और यहाँ पर देखते हैं मेघमानी ऑर्गेनिक ये एक सौ अड़तीस तो को आप देख के चलिएगा बाकी दोनों कंपनी एक ही कंपनी है यहाँ पर जो कि हमें नजर भी आ रहा है दोनों कंपनी एक ही है आ, तो इन दोनों कंपनी के कहने का मतलब क्या है इन दोनों कंपनी की तरफ नजरें बना के रखी है ओके कंपनी के बाद ज्यादा हिस्ट्री यहाँ पर आ, हिस्ट्री अच्छी खासी है बट हमारे पास बैलेंस शीट एंड ऑल यहाँ पर ज्यादा नहीं है बट जो भी है वो अच्छी खासी है और इसके बेस पे भी अगर हम बात करते हैं कंपनी की तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के पास अच्छे खासे एफ आई एस डी आई यहाँ पर सब कुछ होल्डिंग रख रही है बी में हम बात करते हैं कैश फ्लो अच्छा खासा है रिजर्व अच्छे खासे है बोलाइंग कंपनी के पास है थोड़ी बहुत तो ये सब चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए बाकी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है काफ़ी ब्रिलियंट है दोनों कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म आगे भी करके दिखा सकती है जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी करके दिखा रही है तो ये तीनों दो कंपनी है मेघमानी ऑर्गेनिक मेघमानी फाइन कैम्प तो इनकी तरफ नजरें बना के रखिएगा क्योंकि ये कंपनी जब डीमर्ज होती है तो अच्छा खासा भाग के दिखाई देती है ऐसी अगर मैं आपको एक और कंपनी से रिलेटेड बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए हेल्थ मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर यह भी कंपनी डीमर्ज हुई थी और डीमर्ज होने के बाद जो इसने रिटर्न दी है लगभग तीन गुना आपका पैसा करके करके यहाँ पर दिखाया है देखे कितने एक, एक सौ तीन रुपए पे ये लिस्ट होती हुई दिखाई देती है और फिर उसके बाद तीन सौ पैंतीस रुपये पे आज चल रही है तो इस तरीके की कंपनी यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है तो यही कहने का मतलब है नजरें बना के रखिए जब भी एक अपॉर्चुनिटी मिले आजकल एक महीने बाद दो महीने बाद तो यहाँ पर एक अच्छी पोजिशन आप बना सकते हो तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस